राधा चलो, हमारे जाने का समय हो रहा है। आप सब यही विचार कर रहे हैं ना कि राधा ने मेरा आलिंगन कैसे किया। अब सबको इस बात से संकोच है और मैं ये समझ सकता हूँ, राधा मेरी सबसे प्रिय सखी है, जिसके साथ न जाने कितने सुखद क्षण मैंने वृंदावन में व्यतीत किए हैं, कितनी मीठी स्मृतियां हमने संजोई। और इसलिए आज जब राधा को सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो उसके दुख का गहन आभास मुझे हो रहा है। और आलिंगन कर हमने एक दूसरे का दुख बांटा है, मित्रता में भी तो प्रेम का रस होता है। राज राधा ने दुख और प्रेम को व्यक्त करने के लिए जो मार्ग चुना है, वो मार्ग कदापि अनुचित नहीं है। आज राधा वृंदावन छोड़कर जा रही है, किंतु वृंदावन में राधा का वास सदैव रहेगा। इस बार मैंने निर्णय लिया था कि तुमसे अपनी हर बात मनवाऊंगी कृष्ण, परंतु इस बार भी मैं तुम्हारी बात नहीं डाल पाई। क्यों तुमने ऐसा किया कृष्ण? आज तक तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है राधे, उचित समय आने पर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। हृदय पर इतना बड़ा आघात लगाने का क्या कारण है? कारण है गौरी, बहुत बड़ा कारण है। और तुमसे ये किसने कहा कि आघात केवल देवी राधा के हृदय को ही पहुंचा है? अर्थात ज्ञात है कि राधा के जाने से जितना दुख हम सबको हो रहा है, उतना ही दुख तुम्हें भी हो रहा है, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे साथ हमारा सबसे प्रिय सखा कृष्ण हमारे साथ है। पर
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ से चला गया हूँ, वृंदावन से दूर राधा के साथ। मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल से आप सब कुछ इस प्रकार रहें कि केवल राधा ही नहीं अपितु मैं भी यहाँ पे नहीं। नहीं कृष्ण, तुम हमसे हमारे प्राण मांग लो, परंतु ऐसा वचन मत मांगो। यदि आप सब मुझसे प्रेम करते हो और मेरे प्रेम पर विश्वास करते हो तो आप सबको ये वचन देना होगा। कीर्तिदा, ये चक्रवात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे मौसम में यात्रा करना उचित नहीं होगा। हमें यहीं आसपास कहीं विश्राम करना होगा। जी आर्य, परंतु यहाँ तो कोई स्थान दिखाई दे ही नहीं रहा, हम रुकेंगे कहाँ? एक स्थान है, काका बता रहे थे कि यहीं पास में एक गुफा है, वहाँ पे हम रुककर विश्राम कर सकते हैं। जी चलो चलते हैं वहीं पे। जी आर्य चलो आओ। मुझे लगता है कि रात्रि इस गुफा में बिताना ही उचित होगा। यहाँ चक्रवात का भी डर नहीं। काका आप ऐसे कीजिए कि बैलों को जल पिलवाइए, उसके बाद सुबह जब चक्रवात समाप्त हो जाएगा तो हम पुनः प्रस्थान करेंगे। आरे, मैं विश्राम की व्यवस्था करती हूँ, आप तनिक अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। हाँ। ये कैसा वचन मांग रहा है काना इन सभी से? प्रतीत होता है कोई बात तो अवश्य है। एक वो रात्रि थी जब हम दूर होकर भी एक दूसरे के निकट आ गए थे, और एक ये रात्रि है जब हम निकट होकर भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं।